दोस्तों DSSB की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है। बिल्कुल अभी अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट अर्जेंट नोटिस जारी किया गया है, एक कोरिजोंडम जारी किया गया है दोस्तों, शुद्ध पत्र जारी किया गया है DSSB की, जो 2024 की नई रिक्रूटमेंट है इसी से जुड़ा हुआ। हां जी दोस्तों, जो कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन DSSB ने निकाले, इनसे जुड़ा हुआ बड़ा नोटिस, बड़ा शुद्धि पत्र जारी किया गया है। बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाएगा। अगर आप DSSB की इस रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन कर चुके हो या आवेदन करने वाले हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस शुद्धि पत्र को डाउनलोड करके ध्यान से आप पढ़ भी लीजिएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और इस शुद्धि पत्र को बिल्कुल विस्तार से देख लेते हैं। डेट देखिए 19 फरवरी 2024, बिल्कुल अभी अभी यह जारी किया गया है DSSB की तरफ से। ये देखिए दोस्तों, 19 फरवरी 2024, नोटिस कम कोरिजोंडम फॉर द पोस्ट कोड्स एडवर्टाइज्ड अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम। हां जी दोस्तों, लगभग सभी पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ है। इन द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंस पैरा एंड सब पैरा 7 ऑफ मोड ऑफ सिलेक्शन पैरा ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, जो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं DSSB की तरफ से, उनमें पोस्ट प्रेफरेंस का पैरा और मोड ऑफ सिलेक्शन का पैरा नंबर 7 में बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं और किन में किए गए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं DSSB की तरफ से अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन स्कीम के तहत, जो एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए हैं उनमें एक्सेप्ट पोस्ट कोड 801/24 एंड 802/24 एडवर्टाइज्ड बाय एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024, इन पोस्ट कोड को छोड़ के, एक्सेप्ट पोस्ट कोड, इन पोस्ट कोड को छोड़ के बाकी सभी के लिए ये लागू होता है। सबसे पहले ये देखिए पोस्ट प्रेफरेंस में क्या बदलाव किया गया है। कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट। सच कैंडिडेट शैल नॉट बी प्रोवाइडेड विद एनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर पोस्ट। तो देखा आपने, जब भी आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाए कहीं पे भी ऑनलाइन आवेदन करते वक्त या आपका रिजल्ट जारी होने के बाद, मतलब जब भी आपसे पोस्ट का प्रेफरेंस मांगा जाए तो आपको एटलीस्ट एक प्रेफरेंस जरूर से जरूर फिल करना है, जो भी आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा, जो भी टाइम दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस के लिए उस समय सीमा में एक प्रेफरेंस आपको कम से कम सिलेक्ट करना है, भरना है। अगर आपने एक भी प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं किया तो आपको कोई भी पोस्ट कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब आप ये मान के चले आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाए तो भी आपको फिर सिलेक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं किया। कम से कम एक सिलेक्ट करना है जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसमें। इंस्टेड ऑफ पहले क्या था, अब तो ये है, ठीक है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है जब भी आवेदन करना है या जब भी समय दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस का, तो उस समय जो भी स्टिपुलेटेड टाइम होगा ध्यान रखिएगा। इंस्टेड ऑफ पहले क्या था, पहले था इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज हिज हर प्रेफरेंस देन इन द केस ऑफ हिज हर सिलेक्शन द अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी मेड बाय द बोर्ड एट इट्स डिस्क्रिशन इन अ डिपार्टमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एज पर RRs एंड सच डिसीजन विल बी फाइनल। तो आगे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन सब पैरा 7 में क्या बदलाव है। यहां देखिए, फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट बाई DSSB शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली। द यूजर डिपार्टमेंट शैल चेक द एलिजिबिलिटी एज पर RRs एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट नोटिस। हाँ जी दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन में अब आ गया फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट बाय DSSB शैल बी बेस्ड ऑन द मेरिट कम प्रेफरेंस ओनली। मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस पे अब आपको डिपार्टमेंट अलोकेट करेगा DSSB। यूजर डिपार्टमेंट आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा रिक्रूटमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग, इंस्टेड ऑफ पहले ये था। तो ये तो अब काम का है ही नहीं, तो पहले वाला तो अब काम का है ही नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन एंड अलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली टू द कैंडिडेट क्वालिफाइड विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट डिपार्टमेंट्स लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज गिवन बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग ऑफ ईडोजियर एंड देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स RRs। तो ये बदलाव किए गए हैं दोस्तों, बड़े बदलाव हैं। और उसी के साथ साथ ये देखिए एक ये बड़ी अपडेट, फर्दर देयर विल बी नो वेटिंग लिस्ट और रिजर्व पैनल अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा झटका दोस्तों, ये काफी बड़ा झटका है, कोई भी वेटिंग पैनल और रिजर्व पैनल नहीं रहेगा कंबाइंड एग्जामिनेशन में।